हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं इवनिंग के टाइम अपने गार्डन में आई हूँ और मौसम आप देख रहे हैं बिल्कुल भी एकदम बारिश का हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लगातार। तो आज सुबह से मैं अपने गार्डन में नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है, इवनिंग का टाइम है, तो मैं अपने गार्डन में आती हूँ, देखती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप मेरे गार्डन में देख लीजिए, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम। मेरे सारे प्लांट्स बहुत अच्छे खिल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश में प्लांट्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। वैसे ही मैं अपने गार्डन में टहल रही थी तो मैंने एक चीज़ देखा जो मैंने कभी नहीं देखा, मतलब होता है लेकिन मैंने तो पहली बार देखा है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आप क्या जानते हैं कि पत्थर में भी प्लांट्स उग सकते हैं? हाँ बिल्कुल उग सकते हैं, लेकिन मैंने अपने घर पे देखा और मेरे गार्डन में ही उगे हुए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने पहले देखा था कि बहुत छोटा सा प्लांट उगा हुआ था, लेकिन ये इतना बड़ा हो जाएगा मुझे यकीन नहीं था। देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पत्थर है और यहाँ पर कोई सॉयल नहीं है, थोड़ी सी भी सॉयल नहीं है, ये पूरा पत्थर रखा हुआ था। और इसी में देखिए, ये दो प्लांट जो हैं कॉक्सकॉम के, ये अपने आप ही ग्रो हो गए और देखिए ये इतनी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसको मैं रिपॉट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लांटर था, तो इसको मैंने फिल कर लिया। तो फिल मैं कैसे करती हूँ, मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर कई डाली हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि मैं पॉट किस तरह से फिल करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, लेकिन ये मुझसे इस तरह से नहीं निकले क्योंकि इसकी रूट्स मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अंदर तक चली गई हैं। तो फिर मैंने इस टूल की हेल्प से निकाला है। और देखिए, मुझे निकालना था एक प्लांट क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही निकालती हूँ और एक लगा रहने देती हूँ कि देखना चाहती हूँ कि ये कितनी ग्रोथ ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक निकाला तो दो निकल गए, इसलिए मैंने उससे छोटे वाले प्लांट को फिर से दोबारा से लगाकर उसमें मिट्टी डाल दी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है और देखिए बारिश शुरू भी हो चुकी थी, इसलिए फिर फटाफट मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैं इसको लगा रही हूँ। तो जल्दी से मैं लगा लेती हूँ क्योंकि बारिश हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो अंधेरा भी हो रहा है। और हालाँकि मैं 5 बजे आई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मौसम बन रहा है, काले काले बादल हैं तो अंधेरा लग रहा है, इसलिए मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर ली और अभी मैं जल्दी से लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने ये प्लांटर पूरा भरा हुआ है, तो अभी मेरा प्लांट लग गया है। और लगने के बाद मैं इसमें पानी दे दूँगी, तो पानी मैं नॉर्मल वाटर नहीं दे रही हूँ, मेरे पास रेन वाटर रखा हुआ है, मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो वही मैं डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा कर इसमें डाल दिया है ये, और थोड़ा सा रेन वाटर मैंने उस पत्थर वाले प्लांट में भी डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।